जब हमेशा मुझे आप उठाते हैं तो दो सेकंड में फिर बिठाते हैं, तो ये बड़ा मेरे लिए बार बार ऐसा हो रहा है। ये क्यों हो रहा मुझे मालूम नहीं, लेकिन अब एक सभी मिलके वाया मीडिया एक रास्ता निकालने के लिए आपने कहा है, और दूसरे हमारे पार्टी के इंडिया पार्टी के जितने भी लेटस नॉट गेट इन टू हेयर स्प्लिटिंग असेसमेंट ऑफ अ सिचुएशन। इंडिया पार्टी के नेताओं ने ये प्रपोजल दिया है, और सर मेरा नथिंग अदर देन एलओपी विल गो रिकॉर्ड। मेरा एक ही निवेदन है कि 176 नोटिस भी उसी दिन दिए और 267 भी उसी दिन दिए। जब 267 नोटिस जो है, ये सभी जितना भी बिजनेस है उसको अलग रख के 267 को प्रायोरिटी देना चाहिए। यही पहले भी प्रेसिडेंट था और आज भी वो प्रचलित है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा ये प्रेस्टीज इश्यू क्यों बन गया। 267 में एक हमको कहने के लिए तो मौका मिलता है, और आपने ये भी कहा कि उसको एडमिट करने के लिए कारण होना चाहिए, तो हमने कारण तो बताया। मैंने तो आपसे कल ही विनंती की, आप जरा गुस्से में थे शायद, आपको सर आई एम अ मैरिड मैन फॉर मोर देन 45 इयर्स, मैं कभी गुस्सा नहीं करता सर, ट्रस्ट मी। नहीं साहब, कभी गुस्सा नहीं करता मैंने, चंद लोग एंड मिस्टर चिदम्बरम अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड सीनियर एडवोकेट विल नो, एज सीनियर एडवोकेट वी हैव नो राइट टू शो आवर एंगर एट लीस्ट टू द अथॉरिटी। यू आर एन अथॉरिटी सर, गुस्सा नहीं करता इसको, मैंने इसको मॉडिफाई कर दो सर थोड़ा, मैंने गुस्सा नहीं करता, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। नहीं, आप गुस्सा नहीं करते, दिखाते नहीं, लेकिन बराबर अंदर से करते हो। तो सर, शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस, वी कांट डिस्कस वन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द हाउस सर इन दिस रिलेशनशिप, अदरवाइज वी कैन डिस्कस। गो अहेड सर, सर लेट अस हैव योर इनपुट सर। देखिए, मैं नोटिस यूं ही नहीं दिया, मैंने 8 पॉइंट इसमें लिख कर डिटेल दिया क्यों 267 में ये विषय एडमिट करना, ये पूरा है। लेकिन आप बार बार ये कह रहे हैं कि कोई कारण नहीं 267 में लेने के लिए, तो ये प्रेस्टीज इश्यू बन गया। अब हम इसको रोज उठा रहे, उधर से रोज सजेशन हो रहा। नहीं, मेरा सजेशन यही है कि आप 1 बजे इसके लिए अपने चेंबर में बुला रहे, तब तक आप हाउस एडजर्न करिए और हम बैठ कर 1 बजे तो फिर यहाँ पर आएंगे, फिर वो समस्या को सुलझा कर हम यहाँ पर बैठेंगे। ये मेरा विनंती है आपसे। सर ये बड़ा छोटी सी, आप छोटा सजेशन भी नहीं मानते, प्राइम मिनिस्टर यहाँ आने दो बोले तो वो भी नहीं मानते, और प्राइम मिनिस्टर को आप इतना डिफेंड कर रहे, इतना डिफेंड कर रहे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है, ये अनपार्लियामेंट्री है। प्लीज प्लीज सर, अरे ये हर बात को प्लीज प्लीज सर, I got a point. अरे भाई, ये डेमोक्रेसी है, प्लीज ये क्या बाउंडेड लेबर है आप? नो प्लीज।